Hey guys, kaise ho yaar? Welcome back to a new GTA San Andreas special video of my channel. Guys, ye video main aapko dene wala hu Dragon Ball Z Goku mod जो कि आपको अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करना रहेगा विद द हेल्प ऑफ IMG टूल. गाइस मैं पहले ही बता दूं, ये एक MB का मोड होने वाला है, सिर्फ 1 MB का मोड. जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेसिकली 1 MB का मोड भी नहीं है, ये 1 MB से भी कम का मोड है. तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें जो है मैंने IMG टूल का यूज़ लिया है और बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन जो है आपको IMG टूल की मदद से करना होगा और बाकी आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा. गाइस मैं पहले ही बता दूं, अगर आप चाहते हो इस मोड को अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करना तो आपको ये वीडियो कम्प्लीट देखनी ही होगी. आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी ही होगी, वरना नहीं इंस्टॉल कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या पावर्स है और क्या इंस्टॉलेशन रहेगा वो भी बताया है मैंने. तो आपको जो है ये वीडियो कंप्लीट देखनी ही होगी, वरना आपका मोड पैक नहीं चलने वाला है. गाइस मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है. तो अगर बात करूँ मैं इस मोड की, तो इस मोड के अंदर आपको कुछ पावर्स मिलने वाली, मल्टीपल पावर्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो. साथ में यहाँ पर आपको जो है सुपर जंप की देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में फ्लाइंग की भी. मैंने यहाँ पर जो क्लो मोड है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर प्रोवाइड करी है, जो कि आपकी गेम को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग करने वाली है. एंड जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हो वैसा का वैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है. जब यहाँ पे पावर्स को आप यूज़ करोगे ना, तो पूरा का पूरा जो वेदर रहेगा ना, पूरा का पूरा वाइब्रेट होने लग जाएगा. ऊपर आप देखोगे तो साउंड नहीं आएगा, लेकिन जो रियलिस्टिक जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा. और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है ये मोड पैक आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है. एक रियल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला है ये वाला मोड, ठीक है. और सिर्फ 1 MB का, और छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा, यानी कि नेट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा. उसके लिए आपको जो ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, वरना आप नहीं कर पाओगे इंस्टॉल, ठीक है. वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मैं पहले ही बता दूं. और एक बात, जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है मैं कुछ बंदों की जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करता रहता हूँ. जो भी बंदे बोलते हैं कि मोड नहीं चलता, तो वहाँ पे जो है मैं उनको जो है रिप्लाई कर देता हूँ, अगर वो मेरे को मैसेज करते हैं तो. हालांकि ऐसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन कुछ कुछ बंदे होते हैं जिनको इंस्टॉल करना नहीं आता, जो पूरी वीडियो देख के भी नहीं समझ पाते, तो वो जो है इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वो मेरे को मैसेज सेंड कर देते हैं, मैं उनको बता देता हूँ. अभी तक मैं काफ़ी बंदों की हेल्प कर चुका हूँ, जो कि मेरे को बोल चुके हैं इसके बारे में, मोड नहीं चल रहा है, या फिर मोड क्रैश कर रहा है, या फिर कैसे इंस्टॉल करें, या फिर क्या APK डाउनलोड करनी है. तो सब जो चीज़ें हैं मैं क्लियर कर चुका हूँ. तो अगर आपको भी होता है तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. अगर ऑल्सो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो है रेगुलर मोड्स की वीडियोज़ आ रही है और रेगुलर मैं मेहनत कर रहा हूँ. साथ में एक और बात, हमारा एक सेकंड चैनल भी है जहाँ पे हम फ्री फायर की रेगुलर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो. अगर आप फ्री फायर में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप जो है विजिट कर सकते हो. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, और आप जो है मेरा मेन चैनल ओपन करके भी देख सकते हो, ठीक है. तो अगर अभी मैं इस मोड के बारे में बात करूँ, तो गाइस जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, क्या क्या पावर्स देखने के लिए मिलने वाली है, इन पावर्स को आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, कि क्या क्या आपको यूज़ करना रहेगा, किस बटन को आपको प्रेस करना रहेगा, और जिसकी वजह से आप जो है पावर्स को यूज़ कर सकते हो अपने गेम के अंदर. तो सभी चीज़ें जो है A to Z वाली चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जा करके. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो कंप्लीट देखना, वरना ये नहीं हो पाएगा गाइस इंस्टॉल, ठीक है. मैं पहले ही बता दूँ, वीडियो आपको कंप्लीट देखना ही होगा, ठीक है. और अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं ले जाऊँगा. आपको एक छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा, लेकिन हाँ आपको पूरा देखना रहेगा, क्योंकि जो है इंस्टॉलेशन में जो चीज़ें बताइए वो ट्रिकी है, ठीक है. हालाँकि ज़्यादा लॉन्गेस्ट टफ पार्ट नहीं होने वाला है, लेकिन बस आपको थोड़ा वीडियो कंप्लीट देखना होगा. आपको ये जो इंस्टॉलेशन है बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है, और क्या क्या पावर्स है आप अपनी स्क्रीन पर टोटली देख सकते हो. यहाँ पे मैं कार्ड्स को भी जो है उठा सकता हूँ एंड फ्लाई कर सकता हूँ, एंड बहुत अच्छे से जो है गेम खेल सकता हूँ, ठीक है. लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इंस्टॉलेशन रहेगा. सो लेट्स गो. क्या सबसे पहले आपको फाइल डाउनलोड करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक्सेप्ट हेयर कर दो, पासवर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाय एंड सैफ्रॉन. गाइस रेगुलर जो है हमारा यही पासवर्ड रहता है, सी बाय सैफ्रॉन स्मॉल में यही पासवर्ड रहेगा. ओके कर दो. उसके बाद में फोल्डर आपको मिल जाएगा. उसके बाद में फोल्डर मिलने के बाद में इस फोल्डर को आपको डायरेक्ट ओपन करना है. फिर आप देखोगे आपको फोल्डर मिलेगा क्लो, एंड दूसरा आपको मिलेगा IMG वाला. तो आपको क्लो के अंदर जो जाके सारी फाइल्स को जो है कॉपी कर लेना है यहाँ से. उसके बाद में यहाँ पे जैसे कॉपी कर लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइस मेमोरी में जाना है, फिर आपको एंड्रॉइड में जाना है, फिर डेटा में जाना है, फिर आपको नीचे जा करके जो है com.rockstargames.gtsa वाला फोल्डर फाइंड करना है. फाइल्स में जाना है, फाइल्स में नहीं जाना है. उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है, एंड सिंपल गाइस पेस्ट करने के बाद में आपको डाउनलोड में जाना है. डाउनलोड में जाने के बाद में अगेन आपको GT3 IMG का जो है फोल्डर मिलेगा. उसके बाद में दो फोल्डर रहेगी, IMG टूल के अंदर इंपोर्ट करना रहेगा. तो IMG टूल ओपन करो, ओपन IMG पे क्लिक करो, एंड्रॉइड के
ऑप्शन पे जाओ, उसके बाद में डाटा, उसके बाद में यहाँ पे कॉम डॉट रॉक स्टार गेम डॉट जी टी एस से, फिर उसके बाद में फाइल्स, फिर उसके बाद में टी एक्स टी भी, फिर जी टी ए 3.img का ये फोल्डर आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करो, एड फाइल्स विद रिप्लेस पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे आप बैक करो बैक करो बैक करो। उसके बाद में यहाँ पे आप जाओ डाउनलोड के फोल्डर में जहाँ पे आपने फाइल डाउनलोड करी है, ठीक है। उसके बाद में गोकू यहाँ पे दिख जाएगा, जी टी ए 3img दिख जाएगा, ये दो फाइल रहेगी, इनको सेलेक्ट करो, सिर्फ दो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे ऊपर बटन पे क्लिक करके, 3 बटन पे क्लिक करके रीबिल्ड कर दो, एंड दैट्स इट। रीबिल्ड करने के बाद गेम ओपन करोगे तो आप जैसे अपना क्लियो मेन्यू ओपन करोगे, उसके बाद में जाना है आपको स्किन सेलेक्टर V3, एंड आपको द ट्रूथ के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, आपके ड्रैगन बॉल जेड की जो स्क्रीन है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है मेन्यू ओपन करके अपनी जो पावर्स है वो भी अप्लाई कर देनी है, एंड देन आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो आप जैसे पावर्स के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद में आप देखोगे तो आपके यहाँ पे जो शक्तियाँ है वो यूज हो जाएगी। गाइस सी ये क्या क्या आपको शक्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आप पंच के बटन को होल्ड करके रखोगे ना, उसके बाद में आपको ये वाली पावर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। पंच के ऑप्शन को अगर होल्ड रखोगे तो, एंड आप जैसे अपना लाइक क्लो मेन्यू ओपन करते हो, फ्लाई करते हो तो नॉर्मली आप फ्लाई कर सकते हो, सुपर पंच आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप सुपर जंप भी कर सकते हो और सुपर पंच भी कर सकते हो। अगर किसी कार को आप एकदम पंच मारते हो तो बहुत ही गंदा वाला वो कार जो है जाके गिरेगी, एंड ये गाइस नॉर्मल इंस्टॉलेशन है जो कि आपके गेम का होने वाला है, और आपको किस तरीके से पावर्स को यूज़ करनी वो चीज़ भी मैंने बता दी है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में बोलो, या फिर अगर कोई इंस्टॉलेशन के अंदर दिक्कत है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं आपको सोल्व कर दूंगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो यार कमेंट तो है ही आपके लिए। और एक बात यार, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करके भी जाओ यार, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आएगी आपके लिए तो आप हर एक मोड को जो इंस्टॉल करके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो गाइस मैं वीडियो एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा क्योंकि रेगुलर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी नहीं लेना चाहता मैं, तो दैट्स वाई कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा वे में लूँगा। सो गाइस आई होप कि जितना भी आपको मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मोड के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।